दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाला 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस बार महाशिवरात्रि के लिए मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग का पूरी कथा, पूजा की विधि और नियम सारा इस वीडियो में बताया हुआ है। मैं डेली के हिसाब से, अगर आपका टाइम है तो पहले जो पूजा का टाइम है वो शाम को 6:25 से लेके रात को 9:28 पे हैं। दूसरा टाइमिंग जो है रात को 9:28 से लेके 12:31 सुबह रात तक का है, और तीसरा टाइम जो है 12:31 से लेके सुबेरे 3:34 तक। बाकी वीडियो को लास्ट तक डिटेल में देखिए तो आपको सारा जानकारी भी मिल जाएगा, और पूजा का नियम भी आप देख के इस हिसाब से आप पूजा को अपने घर में ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। महाशिवरात्रि 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। जानिए महाशिवरात्रि की कथा, व्रत और पूजा की नियम। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़ के तीनों लोकों में सभी अतिथियों को न्योता भेजा गया। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलविदा और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञों का आयोजन किया तो उन्होंने उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए सती को वहाँ अकेले ही जाना पड़ा। वो जैसे ही सभागृह में पहुंची, उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वो शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने के प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक ना सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वो यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाश पति ने क्रोधित होकर सती के शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वो फागुन महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार के दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फागुन महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शिव भक्तों की जमावड़ लगता है। हिंदू शैव संप्रदाय वालों के लिए ये सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालय में इस दिन अंधकार और अज्ञात से दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति, या फिर पुरुष और आदिशक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यानभग्न हो गए और उनके ध्यान का कोई तोड़ नहीं कर पाया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में ही नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या करें। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। उनका राम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फागुन महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए
इस दिन शिव की पूजा करती है। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां विवाहित सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था, ये कहानी स्वयं शिव ने ही बताई थी। शिवपुराण के अनुसार पुराने ज़माने में काशी यानी आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसका रोज का काम ही था पशु हत्या करना। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम हो गया, जंगल के जीव जंतुओं के डर से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था, वो डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वो बेल का पेड़ था, पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो दिन था शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चल रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वो शिकारी स्वयं ना खाकर उसे अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चारण ना जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि का व्रत पालन कर लिया। बाद में जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे और यमदूत अपने साथ, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अंत में विवाद निपटाने यमराज पहुँचते हैं। शिवदूतों ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक में ही जाना पड़ता है, उसे स्वर्गवास या मोक्ष मिलता है। इसलिए हजारों वर्षों से शिव चतुर्दशी और शिवरात्रि मनाए जाने का परंपरा चले आ रही है। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा के नियम। महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वाले के लिए सबसे पहला नियम यह है कि एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन, मदिरा, धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के पूजा के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन, भस्म, गंगाजल, कपूर, गाय का दूध, गन्ने का रस, शहद, मूली, शमी के पत्ते, मंदार पुष्प आदि पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान भी रख लेना चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिव जी को भोग लगाने के लिए ठंडाई, मालपुआ, हलवा, लस्सी, शहद आदि की प्रबंध कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अन्य का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार करते हैं इस दिन सूर्योदय काल से शिव की पूजा हो सकता है। महाशिवरात्रि के व्रत के पूरे दिन आपको सोने से परहेज करना चाहिए। व्रत में सोने की मनाही होती है। जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करें तो आधी परिक्रमा करें और वापस आ जाए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित है। महाशिवरात्रि की पूजा में आप तुलसी, हल्दी, शंख, नारियल, केवड़ा का फूल आदि का उपयोग ना करें। शिव पूजा में ये वर्जित माने गए हैं। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बताऊंगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए लिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान शिव के 12 विग्रह को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारतवर्ष में ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पे है। इनमें से सर्वप्रथम श्री सोमनाथ जी को स्मरण किया जाता है। सावन की माह में ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उभरते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो आइए एक नज़र डालते हैं परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथाओं पर। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है।
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव जी ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए भी विख्यात रहा है। इस मंदिर को कई बार देशी विदेशी हमलावरों ने अपना निशाना बनाया था। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा कहा जाता है वो कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से एक ही साथ कर दिया था, परंतु चंद्रदेव को पसंद थी सिर्फ रोहिणी। रोहिणी को अन्य बहनों को चंद्रदेव की ओर से अनदेखी किया जाने से बाकी बहनें दुखी रहती थी। जब दक्ष प्रजापति तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से समान व्यवहार करने के लिए समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव पर कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने के शाप दे दिया। इससे चंद्र का शरीर निरंतर घटने लगा। संसार में चांदनी फैलाने का उनका काम रुक गया। सभी जीव कष्ट उठाने लगे और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं को, महर्षियों आदि अपने मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। इससे असहाय देवता चंद्र को लेकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं को साथ प्रभास क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया। दक्ष के शाप के असर उन्होंने ये वरदान देकर कम किया कि महीने के 15 दिन चंद्रदेव के शरीर को थोड़ा थोड़ा क्षय घटेगा और इन्हीं 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद की 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव को शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और वो फिर से समूचे जगत पर चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से और माता पार्वती समेत वहाँ वास करने की प्रार्थना की, जिससे भगवान शिव ने स्वीकार किया और वही वास करने लगे। तो ये था सोमनाथ की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कर्नाटक के कृष्णा जिले में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव शिव का महादेवी सहित वास है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर है। धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि श्री शैल के दर्शन मात्र ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय को इस बात पर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। इस पर पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती ने कहा कि जो पहले धरती की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। इस पर फुर्तीली कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए और क्योंकि श्री गणेश शरीर से मोटे हैं, इसलिए वो उस फुर्ती से नहीं निकल पाए और इसके लिए उन्होंने नया उपाय ढूंढने वाला। शास्त्र के अनुसार माता पिता की पूजा धरती के ही परिक्रमा मानी जाती है और उसका भी वही फल मिलेगा जो कि पूरी धरती की परिक्रमा से मिलेगा। इस उपाय को ध्यान आते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शंकर के आसन पर बिठाकर उनके पूजा शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति के 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुंचे, तब तक
श्री गणेश जी का शेम और लाभ नामक दो पुत्रों के पिता भी बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता पिता के पैर छूने के बाद रूठकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने जैसे कि शिव जी और पार्वती जी ने उनको मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहाँ गए, तो वहाँ पे ऐसे ही कार्तिकेय को पता चला तो वो वहाँ से भागकर तीन योजन पर चले गए। क्रोंच पर्वत के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, जिसको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम पे जाना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। श्री महाकालेश्वर के स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में से तीसरा है। ये उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन की शिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा था। शिखर नामक एक 5 वर्ष के बालक एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा तो घर में आते समय वो एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगा, तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए बुलाने लगा और वहीं पे बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और वो जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजे वाला विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखर रहे हैं। इस पर बालक पहले तो अजरज में डूबा रहा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने यह सब देखा तो वो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने आया और उसने उस बालक की भक्ति को बहुत सराहना की। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की नगरी शिवपुरी में मांदत्य पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद है। इसकी स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि एक बार बिंद पर्वत ने 6 महीने तक ओंकारनाथ की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और विंध्याचल को वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर वास करने का वचन किया और वहीं से उस मंदिर पे भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गया। 5वां ज्योतिर्लिंग, जिसको हम बोलते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत हमेशा 3 ओर से बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनके तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि नर और नारायण नामक 2 ऋषि, जिनको भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने एक बार अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर दिया और फिर जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तो नर और नारायण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे बस गया, जिसको हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पे जानते हैं। जो 6वीं ज्योतिर्लिंग है वो है असम में गुवाहाटी में, जिसको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम पे जाना जाता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथाएँ इस प्रकार है कि कामरूप देश, जो कि असम राज्य के ही है, उसमें कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी और महान शिव भक्त राजा का राज था।
एक बार महाराक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासक को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा, और ऐसे करते करते वो शिव शक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसके ललकार को अनसुनी कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर से ललकारा और भगवान शिव जी की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसे करने से मना किया तो वो नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा की बजाय शिवलिंग पर लगी, तभी भगवान शिव जी तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस को वध कर डाला। इस पर ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव से वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने के लिए प्रार्थना की तो शिव जी उसमें मान गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। सातवां ज्योतिर्लिंग, जिसको हम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पे जानते हैं, जो काशी में है, जो उत्तर प्रदेश में है। काशी नगरी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता है। भगवान शिव जी ने इसको अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और फिर सृष्टि के शुरुआत होने पर उसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थल पर भगवान श्री विष्णु जी ने सुनित सृष्टि पैदा करने के लिए कामना लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान भगवान श्री विष्णु ने सोने पर उनकी नाभि से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्याग करने वाले के कान में भगवान शिव जी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वो प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। काशी में ये ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर के नाम पर प्रतिष्ठापित है। आठवां, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक नहीं, तीन छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का प्रतीक कहा जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना से भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर के नाम पे विश्वविख्यात हो गए। नौवां ज्योतिर्लिंग जो है वो है बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में है। झारखंड के देवघर में स्थित है श्री बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक बार राक्षसों ने, राजा रावण ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव जी की तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी बारी शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब ये अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जी से चलकर लंका में रहने के लिए अनुरोध किया तो भगवान शिव जी ने कहा कि यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया गया तो वो वहीं रह जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिए। चलते चलते उसे लघु शंका लगी तो वो एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। उस राहगीर ने जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं कर पाया तो उसने उसे उसी स्थान पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जो है मार्ग पर रखा हुआ था। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण ने वहाँ पे पधारे और उन्हें पूजा अर्चना के बाद वहीं पे ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठा किया, जो बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पे नामा जाता है। अगला जो 10वां ज्योतिर्लिंग है वो द्वारिका में गुजरात में है। इसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में दारुकाबंद में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है कि सुप्रिया नामक एक वैश्य भगवान शिव जी के अनन्य भक्त था। एक बार जब वहाँ नौका पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो दारुक नामक राक्षस ने उसे उस पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय तथा उनके साथी यात्रियों को पकड़ के और अपना पूरी ले जाने के जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय जेल में भी शिव शक्ति में लीन रहता था। इसकी खबर जब दारुक को मिली तो वो वहाँ आकर सुप्रिय को डांटने लगा और फटकारने लगा। जब सुप्रियो ने इसका बात नहीं माना तो दारुक ने अपने ही सेवक से उसे हत्या करने के लिए कह दिया। इस पर भी सुप्रियो
तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह सब जब भगवान शिव जी ने देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो कारागार में सोने से चमकते हुए सिंहासन पर ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिया को अपना पशुपत नामक अचूक अस्त्र भी दिया और दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। सुप्रियो ने इस अस्त्र से राक्षस को बध कर दिया और शिवधाम चले गए। भगवान शंकर के आदेश अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रख दिया गया। 11वीं ज्योतिर्लिंग जो है तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी सुनाई दी कि मेरे पूजा के बगैर जल पी रहे हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने तट की रेत से ही वही लिंग मूर्ति बनाई और शिव जी की आराधना करने लगे। तभी भगवान शिव जी प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए तो श्री राम जी ने रावण पर विजय का आशीर्वाद मांगा जो शिव जी ने सहर्षी दे दिया। श्री राम जी ने संसार के ऊपर के लिए भगवान शंकर जी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहाँ वास करने के लिए वचन भी ले लिया। इस प्रकार यहाँ पे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। 12वीं ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, जिसे धुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर जाना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इलोरा गुफाओं के पास स्थित है श्री धुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। धुस्मेश्वर महादेव के दर्शन से सभी के पाप दूर हो जाता है और जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों ही सुखपूर्वक रह रहे थे। उन्होंने उनका बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं था। सुधर्मा ज्योतिषी भी था। उसने अपने ज्योतिष गणित से यह पता लगा लिया था कि सुदेहा से उसे संतान सुख नहीं मिलेगा और यह बात उसने सुदेहा को भी बता दी थी। ऐसे में सुदेहा ने अपने बहन दुष्मा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा तो पहले सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो सुदेहा के जिद के आगे मान ही गया। दुष्मा भी अच्छे संस्कार वाली थी और वो नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन रोज करने लगे। भगवान शिव जी के कृपा से कुछ ही दिनों पे दुष्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश रहने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेहा को अपने बांझपन पर खलने लगा और उसे सोतिया दाव दबाने लगे, सताने लगे। जैसे जैसे दुष्मा के पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे सुदेहा के जलन भी बढ़ती गई। दुष्मा के पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब स्वयं ही असुरक्षित मानने लगी अपने आप को। वो सोचती रही कि दुष्मा के पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। एक दिन जब रात में दुष्मा के पुत्र अपने पत्नी के साथ सो रहा था तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब पे ले जाकर डाल दिया जिसमें दुष्मा रोज पार्थिव शिवलिंग को प्रवाहित करती थी। सुबह दुष्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वो रोने लगी, लेकिन दुष्मा अपने नित्य कार्य में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब पे छोड़ने के लिए ले गई। तालाब में शिवलिंग को प्रवाहित करने के बाद जब वो घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। ये सारी घटना को दुष्मा ने भगवान शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें दुष्मा से वर मांगने के लिए कहा। दुष्मा ने कहा कि भगवान आप यही इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें, आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ। तभी
ऐसा ही होगा कहकर भगवान शिव जी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, जिसको यहाँ पे 12वीं ज्योतिर्लिंग के नाम पे धूसमेश्वर के नाम पे बस गए। इसी ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे धूसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पे जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़े कथाएं।